क्लास रिकॉर्डिंग पर जा चुकी है, ध्यान रखेंगे सब। गुड पर मॉर्निंग बेटा। आपने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी, आपको पता है कौन सा चैप्टर चल रहा है? 17 निकालिए और एक्सरसाइज 17.4 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने किया था, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, आज की डेट है 17/1/2022, ठीक, और एक्सरसाइज भी हमारी 17.4 ही है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सब बच्चे बुक में ध्यान देंगे। अ ब्रिक इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 7.5 सेंटीमीटर थिक। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 1000 ब्रिक। एक ईंट है आपके पास, इंग्लिश में ब्रिक कहते हैं उसे। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है उन तीन, उसकी लेंथ है उसकी 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपको बताई है 10 सेंटीमीटर और हाइट बताई है 7.5 सेंटीमीटर। तो लेंथ इक्वल 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर, हाइट 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें इसका चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। अब आप पहले तो इसका शेप देखिए, ब्रिक जो है क्यूबॉइड की शेप का है। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो अब इसमें हम इसकी तीनों डाइमेंशंस मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ है जैसे 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7.5, और मैंने बताया था कि ये क्यूबिक यूनिट में आएगा, जैसे कि पावर इसमें यूनिट सेंटीमीटर भी है, तो सेंटीमीटर की क्यूबिक का मतलब है पावर 3, सेंटीमीटर की पावर 3 हो जाएगा। इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 22 को 10 से करेंगे तो 220 आएगा इंटू 7.5, फिर हम यहाँ पे 220 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 7500, 5210 कैरी 1, 5210 और 111, 70 का 0, 7214 कैरी 1, 7214 और 115, 00561 और एक के बाद डेसिमल, तो पहुंचेगा 1650 सेंटीमीटर की क्यूब। लेकिन ये, हाँ एक चीज और, ये जो वॉल्यूम आया है ये है वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, एक ईंट का वॉल्यूम है, लेकिन हमें एक ईंट का वॉल्यूम नहीं चाहिए। कितने ईंटों का चाहिए बताइए जरा, कितने ब्रिक का चाहिए? 1000। तो वॉल्यूम ऑफ, ओके बेटा, वॉल्यूम ऑफ 1000 ब्रिक। अब एक का तो हमने निकाल लिया, तो 1000 का करने के लिए इससे हमें 1000 को मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। और 1000 में 3 3 0s होती हैं, तो उसमें 3 0s और ऐड हो जाएंगी, ये है। ठीक है, और है आगा नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, इसमें भी रूम की दे दी है लेंथ ब्रेथ और हाइट। आपसे पूछा है कि
एयर का क्या वॉल्यूम होगा कमरे में, जैसे खाली कमरा हो तो कमरे में कुछ ना होते हुए भी एयर तो मानी ही जाती है कि कमरे में हवा तो है, तो हमें उस एयर का वॉल्यूम निकालना है। तो हमें रूम की लेंथ दे रखी है वो है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 3 मीटर और हाइट दे रखी है 3.5 मीटर। तो वॉल्यूम अगर हम निकालना चाहें, वॉल्यूम ऑफ रूम, तो फॉर्मूला तो वही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और मीटर है तो मीटर के क्यूब में आएगा। तो लेंथ है 5, ब्रेथ 3, हाइट 3.5 मीटर, क्यूब, तीनों यही हो गए। मल्टीप्लाई करें, 5 3 15 होता है, मल्टीप्लाई 3.5 मीटर क्यूब, 15 का टेबल सबको आता है, 15 5 75, कैरी 7, 15 3 45, 45 7 52, एक के बाद डेसिमल है, तो ये हो गया मीटर की क्यूब। तो इतना रूम का वॉल्यूम है, और रूम में क्या है, एयर है, तो ये एयर का ही वॉल्यूम है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे बता देते हैं, इसे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर इन रूम, कमरे में एयर का वॉल्यूम, ऐसे भी लिखते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। इफ वी जॉइन 10 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज टुगेदर वी फाइंड अ क्यूबॉइड। इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड बाय देम। इसको समझना, इस क्वेश्चन को, ये कह रहा है कि अगर आप कहीं पर 10 क्यूब्स को एक साथ जोड़ देते हो, 10 क्यूब, देखिए मैं आपके सामने बनाता हूँ, एक क्यूब है आपके सामने ये वाला, हमने एक क्यूब बना दिया, ठीक है। तो ऐसे ही कितने क्यूब्स जोड़ने हैं, 10, 2, 3 चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और 10, 10 क्यूब जुड़ गए। इस प्रकार से अगर 10 क्यूब जुड़ेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, 10 क्यूब जुड़ने के बाद, है ना। अब इसका वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ है, एक क्यूब का दिया है 8 सेंटीमीटर की क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम हमें 8 सेंटीमीटर की क्यूब दिया है, तो निकालते हैं जरा। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, एक क्यूब का वॉल्यूम दिया है हमें 8 सेंटीमीटर की क्यूब, तो गुड मॉर्निंग, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, ये क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला है, और हमारे पास 8 दे रखा है, 8 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से खोलते हो तो 2 से जाएगा 4 पर, फिर 2 से 2 पर, और फिर 2 से 1 पर जाएगा, तो इसका मतलब 2 3 टाइम आ गया। तो 3 टाइम साइड है और यहाँ 2 3 टाइम है, तो ये हमारे पास एक जो साइड आई है, जैसे ये साइड 3 बार है, तो यहाँ 2 को भी और सेंटीमीटर दोनों के ऊपर पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही 3 बार थे, 2 भी 3 टाइम था, सेंटीमीटर भी 3 टाइम, तो इसके 3 से 3 गया, तो साइड आ गए हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 सेंटीमीटर की साइड है, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2, ये भी 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, और टोटल मिला के 10 बार है, तो 20 सेंटीमीटर की लेंथ हो गई यहाँ से यहाँ तक,
है ना, क्योंकि 10 क्यूब्स जुड़े हैं, एक क्यूब की साइड आई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ऐसे 10 क्यूब जोड़े गए हैं, तो 10 क्यूब का 20 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, ब्रेथ भी अभी 2 ही है और हाइट भी 2 है। आप कह सकते हैं हमारे पास क्यूबॉइड जो बना है इस वक्त, जो क्यूबॉइड सामने आएगा उसमें लेंथ आ गई, अब लिख सकते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड हो गई अब हमारे पास 2 × 10 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 बार वो लगा था। तो ब्रेथ ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड हो जाएगी हमारी, वो एक ही लाइन में 10 लगा था तो वो तो 20 हो गया, लेकिन बैक साइड या हाइट में वो तो उतना का उतना ही रहेगा 2 सेंटीमीटर, और हाइट है इसकी, हाइट ऑफ क्यूबॉइड 10 क्यूब से मिलके एक लंबा सा क्यूबॉइड बना था, तो लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों है आपके पास। अब हम निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है का फॉर्मूला, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट क्यूबिक यूनिट लिखते हैं, जो भी सेंटीमीटर या मीटर लिया उसके ऊपर पावर 3 लगाएंगे। लेंथ है आपके इसमें 20, ब्रेथ 2, हाइट 2, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर की पावर 3, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, तो आपके पास आ गया 80 सेंटीमीटर की क्यूब। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसका नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके जरूर देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार्डबोर्ड बॉक्स, एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिसकी लेंथ आपको दी है 55 सेंटीमीटर, एक बॉक्स है इस प्रकार का, लेंथ 55 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रेथ दी है वो 40 सेंटीमीटर, और हाइट दी है 32 सेंटीमीटर, ब्रेथ 40 सेंटीमीटर, हाइट 32 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सोप केक कैन बी पुट इन इट इफ वन सोप केक इज 11 सेंटीमीटर लॉन्ग वाइड, सॉरी लॉन्ग और 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाइट। देखिए ये है बॉक्स, समझिएगा ये बॉक्स के बारे में। अब है सोप केक, सोप केक समझते हैं, साबुन की टिकिया बोलते हैं उसे, साबुन की टिकिया। जो बॉक्स है वो तो उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट तो ये है, और सोप केक की भी अलग से लेंथ ब्रेथ और हाइट भी है। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी दो बार लेंथ लिखने में आए तो एक बार एक को वन एक को टू कह सकते हैं, ब्रेथ भी वन टू कह सकते हैं, हाइट भी वन और टू कह सकते हैं, क्योंकि ये दो अलग अलग शेप्स हैं। तो साबुन की टिकिया की लेंथ कितनी बताई है 11 सेंटीमीटर, ब्रेथ बताई है 10 सेंटीमीटर और हाइट बताई है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे ये पूछा गया है कि इस बॉक्स के अंदर जो साबुन है, साबुन की टिकिया है, वो कितनी आएंगी इस प्रकार से अगर रख दी जाए, यानी 11, 10 और 8 करके, ऐसी कितने साबुन की टिकिया रखी जा सकती है। तो नंबर ऑफ सोप अगर आपको पता करना है, नंबर ऑफ सोप केक उसका फॉर्मूला है, पहले आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, कि बॉक्स का कितना वॉल्यूम है, और उसको डिवाइड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ वन सोप केक, एक साबुन की टिकिया का क्या वॉल्यूम आता है देखते हैं। बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो आएगा L1 × B1 × H1, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट को हमने 1 1 के साथ ली थी। सोप केक का जो वॉल्यूम आएगा वो L2 × B2 × H2 से आएगा। तो इसका आ गया 55 × 40 × 32, और नीचे वाले का 11 × 10 × 8
ये भी सेंटीमीटर की क्यूब है और ये भी सेंटीमीटर की क्यूब है, इसलिए पूरा कट गया। अब देख सकते हैं 8 के टेबल से 32 4 पर गया, 10 के टेबल से 40 भी 4 पर गया और 11 के टेबल से 55 5 पर गया। तो आपके पास जो अब आंसर आने वाला है, जैसे कि 5 4 20, 20 4 80, तो इसका मतलब यह है कि इस बॉक्स में कितने साबुन आएंगे? 80 सोप के एक साबुन, ओके 80 साबुन इसमें रखे जा सकते हैं, क्योंकि बॉक्स का वॉल्यूम साबुन के वॉल्यूम से ज्यादा है, उसमें ज्यादा जगह है। और कितना ज्यादा है? लगभग 80 गुना है, 80 टाइम्स, यानी 80 साबुन उसके अंदर रखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ ईच साइड ऑफ क्यूब इज डबल, अगर कोई क्यूब है, देखो एक क्यूब है, मान लीजिए एक क्यूब है, और इस क्यूब की कोई साइड हो, जितनी भी है, मान लो उसी क्यूब की साइड को हम एक्स मान लेते हैं, तो हर जगह एक्स एक्स ही होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट भी उसकी। लेकिन अगर यही बॉक्स डबल कर दिया जाए, डबल बना दिया जाए, इतना डबल कि इसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट सब पहले से ज्यादा हो जाए, यानी अब 2x 2x हो जाए हर जगह, तो लेंथ ब्रेथ हाइट अगर डबल कर दी गई है तो क्या पूछा गया है? देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द, सॉरी सॉरी, देन व्हाट विल हैपन टू इट्स वॉल्यूम, तो इसके वॉल्यूम में क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। पहले साइड ऑफ ओरिजिनल, ओरिजिनल माने पहले वाला ओरिजिनल क्यूब, उसकी क्यूब की साइड को हम कर लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं, वो हो गया एक्स, एक्स यूनिट है, सेंटीमीटर या मीटर जो भी रहा हो। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या बनेगा? ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड मल्टीप्लाई बाय साइड 3 बार। तो साइड की जगह पर एक्स लिखेंगे, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो एक्स को 3 बार करने पे एक्स की क्यूब, ठीक है, क्यूबिक यूनिट जो भी है ये हो जाएगा क्यूबिक यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर कुछ तो हमने बोला ही नहीं। या एक काम करते हैं, यूनिट हटाते हैं, ठीक है, हम सेंटीमीटर ही ले लेते हैं, एक्स सेंटीमीटर, तो यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर भी थ्री हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। अब न्यू, न्यू साइड क्या बोली? न्यू साइड ऑफ क्यूब, नई साइड जो है वो डबल है, अब पहले वाले से डबल है, पहले एक्स थी अब हो जाएगी 2x सेंटीमीटर, तो न्यू वॉल्यूम क्या होगा फिर? न्यू वॉल्यूम आएगा 2x मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 2x, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और x को 3 टाइम, तो x की क्यूब सेंटीमीटर की 3। अब ध्यान से देखिए, ये था x की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब, जो कि आपको यहीं पर फिर से दिख भी रहा है, x की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब दोनों सेम दिख रहा है, x की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब, x की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि 8 तो था, साथ में ये जो एक्स की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब जो था वो था ओरिजिनल वॉल्यूम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में ओरिजिनल वॉल्यूम। तो नया वॉल्यूम क्या होगा? ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स। जो पहले जो वॉल्यूम आता था वो वॉल्यूम तो इसमें भी दिख रहा है, लेकिन अब उसमें एक 8 से मल्टीप्लाई नंबर अलग से दिख रहा है, इसका मतलब न्यू वॉल्यूम जो है वो ओरिजिनल वॉल्यूम का 8 टाइम्स हो गया है। तो यहाँ पे कहेंगे न्यू वॉल्यूम इज, न्यू वॉल्यूम इज 8 टाइम्स द ओरिजिनल वॉल्यूम, जो वॉल्यूम था ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक
अब आता है क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड आर, अब हमें लेंथ और ब्रेथ दे रखी है क्यूबॉइड की। लेंथ दी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 8 सेंटीमीटर। हाइट नहीं बताई बट वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम दिया, वॉल्यूम कितना दिया है 480 सेंटीमीटर की क्यूब। अब आप देखिए वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम तो बिना हाइट के तो निकलता ही नहीं है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और उन्होंने 480 सेंटीमीटर दिया है, तो लेंथ की जगह पर लिख देंगे 12 जो हमारा है, ब्रेथ की जगह पर जो 8 हमारा है, हाइट की जगह पर जो हमें नहीं पता 480। तो हम क्या करेंगे, हाइट को यही रहने देंगे, 480 सेंटीमीटर की क्यूब के पास जो यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक साइड में, दूसरी साइड जाकर के क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 480 को दोनों जाकर के डिवाइड में पहुंच जाएंगे। अब इनको देखते हैं, अगर 12 का टेबल आता है 12 वन जा 12, 12 फोर जा 48 होता है, तो ये 40 आ गया। 8 के टेबल में 8 वन जा 8, 8 फाइव जा 40 आता है। तो आपके पास एक चीज और, ये सेंटीमीटर की क्यूब था, यहाँ सेंटीमीटर की स्क्वायर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही सेंटीमीटर थे, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो अगर ये काटते हैं दो, अपना सेंटीमीटर की स्क्वायर अगर सेंटीमीटर की थ्री में से काटेंगे तो दो, अगर तीन में से कटेगा तो एक बचेगा, तो हाइट बचेगी 5 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबॉइड की हाइट है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो साइड ऑफ बॉक्स, बॉक्स की साइड कितनी बताई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और साइड ऑफ स्मॉल क्यूब, छोटे छोटे क्यूब जो है उसकी साइड कितनी बताई है, छोटे वाले क्यूब की साइड बताई है 2 सेंटीमीटर। अगर हमें ये पता करने हैं कि इस बॉक्स में ये छोटे वाले क्यूब कितने आएंगे, तो वही फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले एक सवाल में हमने किया था, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स अगर हमें पता करना है तो पहले बड़े वाले जो बॉक्स है उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वन स्मॉल क्यूब, एक छोटे स्मॉल क्यूब का वॉल्यूम। बॉक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि ये साइड है और दोनों ही क्यूब हैं, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, क्योंकि साइड इंटू साइड इंटू साइड से ही आता है, और छोटे वाले की भी साइड है 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं, ये भी 5 पर जाएगा, ये भी 5 पर जाएगा, ये भी 5 पर जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 125 स्मॉल क्यूब। छोटे छोटे कितने, 125 क्यूब लग जाएंगे उस बॉक्स के अंदर आसानी से। 5 5 या 25, 25 को 5 से करेंगे 125। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट तीनों चीज दी है, यानी लेंथ भी दी है, एक टैंक है उसकी लेंथ है 4 मीटर, ब्रेथ भी दी है 3 मीटर और हाइट भी है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले हम इसका एक काम करते हैं, वॉल्यूम निकाल देते हैं, वॉल्यूम ऑफ टैंक,
टैंक का वॉल्यूम लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2.5। तो ये आपका अगर मल्टीप्लाई आप करते हो तो देखो 4 को 4 3 जा 12, 12 इंटू 2.5 मीटर की क्यूब इक्वल 30 मीटर की क्यूब आएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा। ये आ गया टैंक का वॉल्यूम, ठीक है। हमसे इसकी कैपेसिटी मांगी है, हम जानते हैं कि 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, 1000 लीटर का पानी समझ लीजिए या कोई भी लिक्विड लीजिए। अगर 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर है तो 30 मीटर की क्यूब में कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर, 30,000 बेटा, 30,000 लीटर, ठीक है। अब जो लास्ट का क्वेश्चन 14 है, ध्यान से देख लो, तीनों तीन बॉक्स बने हुए हैं उसके अंदर, ए बी सी, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, तीनों चीज दे रखी है, दे रखी है नहीं दे रखी है, दे रखी है। इतने 7 सेंटीमीटर दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर दिया है, यानी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, और हमसे क्या मांगा है, इसका वॉल्यूम मांगा है। निकाल सकते हैं इसका वॉल्यूम या नहीं निकाल सकते? वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की क्यूब 105 सेंटीमीटर की क्यूब आया या नहीं आया? तो बी सी डू योर सेल्फ, तो बी और सी को आप अपने आप करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके इनका वॉल्यूम आप निकालेंगे। तो आपका जो होमवर्क है वो है कंप्लीट कंप्लीट चैप्टर 17। हाँ बेटा, कंप्लीट चैप्टर 17 इन पेयर नोटबुक। ये आपका होमवर्क है, क्या बोले बेटा? रफ में कहाँ लिखा है, रफ में कहाँ लिखा है, बताओ बताओ रफ में कहाँ लिखा है? नहीं नहीं अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ क्या लिखा है, अभी बताइए जल्दी क्या लिखा है मैंने सामने। तो पेयर नोटबुक में होने चाहिए सारे सवाल, रफ कॉपी में नहीं, रफ कॉपी में तब बताया था जब मैंने आपके लिए सॉल्व नहीं कराया था, अब मैंने सॉल्व भी कर दिया है तो आप इसे पूरा करेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब इसे पेयर कॉपी में करना है आपको। हाँ जी, अब इसे कंप्लीट कीजिए और शाम तक वर्क सेंड कीजिए। अब मुझे आप लोग, अब आप लोग अटेंडेंस दीजिए।